मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस पास आउट होने के बाद में क्या क्या जॉब कर सकते हैं, कौन सी जगह हम सर्विस कर सकते हैं, सर्विस करने के बाद में पीजी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हमें उस सर्विस के दौरान पीजी के लिए कहां कहां मौका मिलेगा, सर्विस से कहां कहां पर कर सकते हैं, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूं यूट्यूब पर ये पहला वीडियो होगा जो आपको इसके बारे में ये जानकारी मिलेगी कि एमबीबीएस के बाद में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है और कैसे जॉब कर सकते हैं, कौन सी एग्जाम देना है। तो मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस पास आउट होने के बाद में 4.5 साल का एमबीबीएस करने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप आपको करनी है, और इंटर्नशिप के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो रहता है सबसे पहले आप जॉब करें, पहला ऑप्शन यह है कि सबसे पहले आप जॉब करें, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप पीजी की प्रिपरेशन करें। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो पीजी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जॉब भी करें और जॉब के साथ साथ पीजी की प्रिपरेशन भी करें। तो जॉब कहां कहां कर सकते हैं, तो जॉब आपके पास में जॉब के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो ऑफर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप जॉब कर सकते हैं। ये डोमिसाइल फ्री है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो एमबीबीएस करने के बाद में वो जॉब कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा उसके पास में ऑप्शन रहता है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डोमिसाइल कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जिस स्टेट के रहने वाले होते हैं, वो अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं। तो स्टेट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, आप जेआरशिप करें, आप जेआरशिप करें। जो जेआरशिप है वो भी डोमिसाइल फ्री है कि आप कहीं भी जेआरशिप कर सकते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो उनमें कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में। एमबीबीएस के बाद में सेंट्रल जॉब में आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एमबीबीएस के बाद में जब आप जॉब करेंगे तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर आप जॉब करेंगे और ये ऑफिसर ग्रेड में आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी अच्छी खासी होती है, सैलरी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलेगी आपको एमबीबीएस करने के बाद में जब आप जॉब करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी जॉब निकालती है, यूपीएससी जॉब निकालती है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालती है। इसमें एक एग्जाम होता है जिसे सीएमएस एग्जाम कहा जाता है, यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम। तो सीएमएस की जब आप एग्जाम देंगे तो सीएमएस की एग्जाम के बाद इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो जब यूपीएससी एग्जाम निकालती है तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट होता है सीजीएचएस। सीजीएचएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं गवर्नमेंट के, उन सीजीएचएस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर, यानी कि उसमें जूनियर स्केल पोस्ट इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो सीजीएचएस के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर जूनियर स्केल पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली जाती है। इनका जो रिक्रूटमेंट करता है वो यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस हॉस्पिटल्स के लिए। दूसरा जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है रेलवे, यह भी रेलवे का रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी निकालती है। इसके लिए जो पोस्ट होती है वो असेसमेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर होता है, वो रेलवे में होता है। इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसियां निकलती हैं। यूपीएससी की जो वैकेंसी निकलती हैं वो हर साल वैकेंसी निकलती हैं, सीएमएस के लिए एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है।
अब इसमें जो सीजीएचएस में हो गया, रेलवे में हो गया, इसके अलावा जो यूपीएससी वैकेंसी निकालती है वो दिल्ली में वैकेंसी निकालती है, यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकालती है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में निकालती है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकालती है यूपीएससी के थ्रू, और इसके बाद में इसमें हो गया वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो दिल्ली के अंदर मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है वो सारी की सारी यूपीएससी द्वारा निकाली जाती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो वैकेंसी निकाली जाती है वो यूपीएससी द्वारा ही वैकेंसी निकाली जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वो भी वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू ही निकाली जाती है। तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब करने के लिए पहला ऑप्शन है यूपीएससी, यानी कि आप यूपीएससी में इन डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम होता है सीएमएस का, और ये जो एग्जाम होता है ये 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, दो पार्ट्स में एग्जाम होता है, पार्ट वन और पार्ट टू में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 2 hours का पेपर होता है, यानी कि पार्ट वन 2 hours का होगा और इसके बाद में पार्ट टू भी 2 hours का होगा, और इसमें जब दो पार्ट टू में कोई भी एग्जाम होता है मेडिकल का तो इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे मेडिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें जनरल मेडिसिन आती है पार्ट वन में, दूसरे पार्ट में पीडिया आती है, दूसरा जो पार्ट टू होता है वो सर्जिकल पोर्शन होता है, सर्जिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो 5 सब्जेक्ट है, ENT हो गया, ओपथाल हो गया, इसके बाद ओर्थो हो गया, ओबीजी हो गया, तो जनरल सर्जरी हो गया, तो ये पार्टों में आते हैं। तकरीबन ऐसा ही सिलेबस होता है जिनका पार्ट वन और पार्ट टू का एग्जाम होता है। तो यूपीएससी में भी इस प्रकार का है, 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में मेरिट के अनुसार आपको सर्विस दे दी जाती है। तो ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्जाम होता है। इसमें तकरीबन हर साल में तकरीबन 800 से लेकर के 1000 तक मेडिकल ऑफिसर की इन सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती हैं। 800 से लेकर 1000 काफी सारी वैकेंसी होती हैं एक डिपार्टमेंट के लिए। अब ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक यूपीएससी की बात। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हम यूपीएससी के अलावा देखते हैं, हम इसमें जो डोमिसाइल फ्री है उसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में वो आता है आर्मी। जो यूपीएससी की वेबसाइट है, आप यूपीएससी की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर ले यूपीएससी की, यूपीएससी सीएमएस के अलावा बाकी सारे एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में आता है आर्मी। आर्मी में आप एज ए मेडिकल एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है मेडिकल ऑफिसर, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी काफी सारी वैकेंसियां निकलती हैं, ये साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। एमबीबीएस के बाद में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आर्मी में एमबीबीएस यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर एंट्री के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो या एफएमसी से आप एमबीबीएस करो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, और दूसरा तरीका यह है कि आप कहीं से भी एमबीबीएस करो उसके बाद में आर्मी का रिक्रूटमेंट निकलता है, उस रिक्रूटमेंट में आप एग्जाम दे करके एग्जाम क्वालिफाई करके और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी के लिए। अब इसमें दो जगह इंटरव्यू होता है, दो जगह इसमें पोस्टें निकलती हैं, एक इंडियन आर्मी joinindianarmy.in यहां पर आपको वैकेंसी निकलती हैं मेडिकल ऑफिसर की निकलती हैं, और जो हर साल वैकेंसी निकलती हैं, जो हर साल वैकेंसी निकलती हैं आर्मी की वो निकलती हैं www.amcssceentry.gov.in, यानी कि यहां पर आपको हर साल मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें निकलती हैं। इसमें तकरीबन 300 के नियर बाय वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें 10% गर्ल्स कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होता है, यानी कि अगर 300 वैकेंसी निकलती हैं तो 270 वैकेंसी बॉयज कैंडिडेट के लिए होंगी और 30 वैकेंसी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होती है मेडिकल ऑफिसर के लिए आर्मी में। अब इसमें आर्मी में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है ऑनलाइन, आपको आर्मी की इसी वेबसाइट पर अप्लाई करना है और इसके बाद में इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद स्पेशल मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल होगा, ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है आर्मी का। तो आप इस पर हर साल
देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट मैंने आपको दोनों वेबसाइट बता दी है, दोनों वेबसाइट पर आप इसके लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए दूसरा ऑप्शन आर्मी है, पहला ऑप्शन मैंने यूपीएससी आपको बता दिया है। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास में, तीसरा ऑप्शन है ईएसआईसी। ईएसआईसी के काफी सारे इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं और उन हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर काफी सारे रिक्रूटमेंट निकलते हैं। अभी ईएसआईसी में दो प्रकार के रिक्रूटमेंट निकलते हैं, एक तो परमानेंट जॉब निकलता है परमानेंट मेडिकल ऑफिसर, और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, संविदा पर भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ईएसआईसी के लिए जो वैकेंसी निकलती है ये भी काफी सारी वैकेंसी निकलती है, 1000 तक पर ईयर ये वैकेंसी निकलती है। इसमें भी हॉस्पिटल्स में काफी अच्छे जॉब्स हैं, इसमें सैलरी भी काफी अच्छी है, तो आप इसमें भी जॉब कर सकते हैं। अब इसके लिए esic.nic.in पर जैसे आप विजिट करेंगे आपको वहां पर एक रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा, उसमें जितने भी सारे रिक्रूटमेंट हैं, एमबीबीएस के बाद हो गया, एमडी के बाद हो गया, पीजी के बाद हो गया, तो जितने भी सारे रिक्रूटमेंट हैं आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगे esic.nic.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से इसको सर्च कर सकते हैं। अब इसमें ये भी हर साल वैकेंसी निकलती है, इसकी ईएसआईसी की भी हर साल वैकेंसी निकलती है, और इसमें भी रिटर्न एग्जाम होता है। जो रिटर्न एग्जाम होता है वो रिटर्न एग्जाम इसमें भी दो पार्ट में होता है, इसका भी जो रिटर्न एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट पार्ट में मेडिकल स्ट्रीम होती है, जैसे मेडिकल की जनरल मेडिसिन पीडिया हो गया, और सेकेंड में सर्जिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ईएनटी ओपोल सारे जो भी सर्जिकल सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है इसमें। इसके बाद ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा इसमें ईएसआईसी हॉस्पिटल में। तो इसमें तकरीबन 1000 वैकेंसी के नियर बाई हर साल ईएसआईसी डिपार्टमेंट यानी हॉस्पिटल्स में वैकेंसी निकलती हैं, और ये ईएसआईसी खुद के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करवा के वैकेंसी फिल की जाती हैं। तो ये हो गया तीसरा डिपार्टमेंट, यानी कि जो सेंट्रल में आपने जो जॉब करनी है वो आप ईएसआईसी में भी कर सकते हैं। इसके बाद में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अपना अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, मेडिकल ऑफिसर का अलग से इंटरव्यू लेके पोस्ट फिल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, नालको भुवनेश्वर में तकरीबन हर साल वैकेंसी निकलती है। इसके बाद में आपके कोल फैक्ट्री में भी वैकेंसी निकलती है, कोल इंडिया की वैकेंसी काफी सारी निकलती है, ये हर साल तकरीबन निकलती है। इसके बाद में एफसीआई में भी वैकेंसी निकलती है मेडिकल ऑफिसर की, तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी बहुत ही जगह निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डोमिसाइल फ्री, उसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। तो ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं तब। हम इस बात के लिए आगे चर्चा करेंगे कि इसमें जॉब करने के बाद में अगर आप पीजी के लिए साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जॉब करते समय ही पीजी की एग्जाम दे सकते हैं, ये हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। अब बात हो गई यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन डिपार्टमेंट्स में आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट अपने अपने स्टेट में मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें निकालते हैं, कोई स्टेट में एक साल हर साल निकालते हैं, तो किसी स्टेट में दो साल के बाद निकालते हैं, तो किसी किसी स्टेट में तीन साल के बाद भी निकाल देते हैं, और कभी कभी वो वही स्टेट एक साल के बाद, यानी कि वो डिमांड के मुताबिक हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट में मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें निकालते रहते हैं। तो इसमें जो होता है वो डोमिसाइल होता है, यानी कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट में मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, वहां ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लिया जाता है उनसे, तो ये काफी सारी कंडीशनें होती हैं अलग अलग स्टेट की। तो आप जिस स्टेट से हैं अपने स्टेट की जो हेल्थ अथॉरिटी है जो रिक्रूटमेंट की, उससे एक बार उसकी वेबसाइट सर्च कर लें और उसमें देख लें कि कब वैकेंसी निकल रही है आपके स्टेट में। मैं आपको यहां बताऊं राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में 2020 में 2000 वैकेंसी ओपन हुई थी, अभी शायद इस साल 22 में वैकेंसी निकलने की संभावना है। तो अगर आप राजस्थान में ज्वाइन करना चाहते हैं
तो एमबीबीएस के बाद में अभी जो वैकेंसी निकलने वाली है तो उसमें अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट की यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, वो उनकी पे स्केल वगैरह भी दी गई है उसमें कि कौन से स्टेट में आप ज्वाइन करोगे तो आपके स्टेट में कितनी पे स्केल होगी, क्या होगा। ये पे का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एमबीबीएस के बाद आप कौन से जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ये तो हो गया स्टेट का, स्टेट में भी काफी सारी वैकेंसियां निकलती हैं, हर एक स्टेट में काफी सारी वैकेंसियां निकलती हैं। उसके बाद में आप स्टेट में साथ साथ पीजी की तैयारी भी कर सकते हैं, जब पीजी की तैयारी करेंगे तो इसमें ईयर वाइज आपको बोनस भी मिलेगा कि फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर का आपका एक्सपीरियंस है तो 20%, थर्ड ईयर का है तो 30%, तो इस प्रकार से आप स्टेट में डिप्लोमा डिग्री ये कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्टेट की बात, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की वेबसाइट पर एक बार विजिट करके देख लें कब कब वैकेंसी निकलती रहती है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जेआरशिप की। अब जेआरशिप में क्या है कि जेआरशिप पे अगर आप मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं जेआरशिप तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो उससे पर आप आपको पे मिलेगी तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 2 साल का है तो 2 साल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में आप पीजी, इन 2 साल के दौरान आप पीजी की तैयारी करते रहो और 2 साल बाद में जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप उसके बाद में पीजी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो जेआरशिप की वैकेंसी है ये काफी सारे इंस्टीट्यूट में निकलती रहती है, ये 2 या 3 साल के लिए वैकेंसी निकलती है जेआरशिप की। जेआरशिप की जो वैकेंसी निकलती है 2 या 3 इयर्स के लिए निकलती है, मतलब आप 2-3 साल जॉब करेंगे, जॉब के साथ साथ आपको पे मिलेगी, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पीजी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनके पास में मनी प्रॉब्लम आती है तो ये 2-3 साल तक अपना वो पे ले लेते हैं, साथ साथ पीजी की तैयारी भी कर सकते हैं, तो ये 2-3 साल के लिए होता है। और ये काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज में आप जेआरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो पे मिलती है वो दिल्ली में मिलती है जेआरशिप में, आप एम्स में जेआरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे गंगाराम हो गया, फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, तो इनमें भी आप जेआरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनकी वैकेंसियां निकलती हैं हर साल जेआरशिप के लिए, एमबीबीएस करने के बाद में वैकेंसियां निकलती हैं तो वह आप जेआरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जेआरशिप ज्वाइन करने के लिए आप एक बार वैकेंसी सर्च करते रहो जेआरशिप के लिए, एम्स में निकल रही है या किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में निकल रही है, आपके स्टेट्स में निकल रही है, तो जेआरशिप ज्वाइन करने के बाद आप साथ साथ पीजी की तैयारी भी कर लेंगे और आपको तनख्वाह भी मिल जाएगी, सैलरी भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप तीनों ऑप्शन चुन सकते हैं, तीनों में कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं आपको यहां बता दूं कि मेडिकल में अभी तक एमबीबीएस करने के बाद में कोई बेरोजगारी नहीं है, ये ऐसा फील्ड है मेडिकल अभी तक कि एमबीबीएस करने के बाद में आपको जॉब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी प्रकार की, आसानी से जॉब मिल जाता है अगर आपकी रुचि हो तो। तो ये 3 ऑप्शन हो गए आपके पास में कि आप जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद में आप साथ साथ पीजी की तैयारी भी करेंगे और पीजी की तैयारी करके इसमें अपना आगे पीजी का कोर्स करके एमडीएमएस की डिग्री हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बात बताऊं कि इसमें आपने ये जॉब के दौरान पीजी की तो आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब के दौरान पीजी की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट का ये डाउट है, जैसे मान लो जॉब ज्वाइन कर लिया, परमानेंट जॉब ही ज्वाइन कर लिया, भाई जेआरशिप तो परमानेंट नहीं है, ये आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब ज्वाइन कर लिए, अब ज्वाइन करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया पीजी में तो फिर क्या कंडीशन रहेगी, क्या आपको वो जो आपने गवर्नमेंट जॉब ले रखा है जैसे रेलवे में ज्वाइन कर रखा है, आर्मी में ज्वाइन कर रखा है या किसी में भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपको फिर आगे के लिए क्या क्या वो जॉब छोड़ के फिर पीजी करके फिर जॉब सर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप ये ज्वाइन कर लिया आपने जॉब और पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आपका एमडीएमएस कोर्स कर रहे हैं आप पीजी के लिए या फिर इससे बड़े और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इस ड्यूटी के दौरान ही लीव मिलेगी। 2 प्रकार की इसमें लीव मिलती है, एक होती है स्टडी लीव, एक मिलेगी आपको स्टडी लीव और दूसरी मिलेगी ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो
तो आप ये लीव लेकर के साथ साथ अपना पीजी का कोर्स भी करें और पीजी का कोर्स करने के बाद में जो आपने ड्यूटी ज्वाइन कर रखी थी पहले उस पे आप कंटिन्यू करें। अब सबसे ज्यादा डाउट ये है कि जो स्टडी लीव है आपकी, ये स्टडी लीव आप सैंक्शन करवाते हैं क्योंकि एग्जाम से पहले आप परमिशन लेंगे नीट पीजी देने से पहले, और नीट पीजी देने के बाद में आपको ये इस प्रकार की लीव लेनी पड़ेगी, लीव सैंक्शन करवानी पड़ेगी। तो अगर आप स्टडी लीव लेते हैं तो आपको प्रमोशनल यानी कि बोनस भी मिलेंगे, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, जैसे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको 3 साल अगर आप एमडीएमएस कर रहे हैं तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी इसमें स्कीम गवर्नमेंट की 9/18/27 की है, वो पे स्केल 9 साल में नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है, पे का 18 में सेकंड मिल जाता है, 27 में थर्ड, इस प्रकार से पे स्केल में तो आपको इंक्रीमेंट बोनस मिल जाएंगे 3 स्टडी लीव के दौरान। अगर आप ये चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहते हैं कि मैं हो सकता है उसके बाद में कहीं और ज्वाइन करूं या मेरा जो सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है, तो इसके बाद में आप ईओएल भी ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपका बाध्य नहीं है कि आप कोर्स करने के बाद में इसमें ज्वाइन करेंगे और इसमें आपको कोई बॉन्ड वगैरह की ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप ईओएल भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर परमानेंट जॉब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आप पीजी भी कर सकते हैं। पीजी के दौरान काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट से अपना खुद का जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर जिसने ज्वाइन कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए या कई कई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो वो हाफ पे देते हैं स्टडी लीव के दौरान, और हाफ उनको स्टाइफंड मिल जाता है। जो हाफ पे मिलेगी तो स्टाइफंड उनका हाफ हो जाता है, तो स्टाइफंड आप मिल जाता है, हाफ पे मिल जाती है, तो वो बैलेंस में आ जाता है, आप कोर्स भी कर सकते हैं और आपकी ड्यूटी भी होगी, आपको पे भी मिल गई, तो इस प्रकार से आपका जॉब का कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार आपने जॉब ज्वाइन कर लिया उसके बाद में आप कंटिन्यू कर लो, एमडीएमएस करने के बाद कंटिन्यू कर लो, आपको बोनस मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने दूसरी जगह एमडीएमएस की पोस्ट पर अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करना है तो आप इसको रिजाइन कर सकते हैं, ईओएल सैंक्शन करवा सकते हैं पहले, इसमें काफी कम कंडीशन होती है, काफी कम बॉन्ड होते हैं। तो ये कंडीशन थी सारी की सारी जो मैंने आपको बता दी, जॉब के बाद एमबीबीएस के बाद आपको क्या जॉब मिलेगा और जॉब के बाद आप पीजी की तैयारी कैसे कर पाएंगे, यानी कि पीजी की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैलरी बताऊंगा डिपार्टमेंट वाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ज्वाइन कर रहे हैं यूपीएससी के जो डिपार्टमेंट है वो क्या सैलरी देते हैं, आर्मी में क्या सैलरी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या सैलरी मिलती है, उसकी कंडीशन क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।